जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड सहित सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और दूसरे राज्यों के बोर्डों का क्लास 10 और 12 के छात्रों का बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए या फिर ऑनलाइन होना चाहिए, इसको लेकर के सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। और वहां पर छात्रों ने याचिका दायर करके मांग की है कि जिस तरह से 2021 में छात्रों का रिजल्ट निकाला गया था क्लास 10 और 12 का, ठीक उसी तरह से 2022 के छात्रों का भी रिजल्ट दिया जाए। और दोस्तों, इससे संबंधित समाचार आज के सभी समाचार पत्रों, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, सभी में प्रकाशित हुआ है, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें हेडलाइन दिया गया है कि ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा का फैसला कोर्ट करेगा और ऑफलाइन न कराए जाए 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। दोस्तों, इस अपडेट में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसे हम लोग लाइन बाय लाइन देखें। तो सबसे ऊपर में जो दिया गया है कि 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की याचिका पर शीघ्र सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आपके समस्या को लेकर के सुनवाई होगी कि ऑफलाइन एग्जाम लिया जाना चाहिए या फिर 2021 के जैसा ही रिजल्ट देना चाहिए। दोस्तों, आगे इसमें दिया गया नई दिल्ली एजेंसी, यानी कि यह जो समाचार है नई दिल्ली से सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। और आगे दिया गया कि 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी कि आप सभी छात्रों का एग्जाम सेंटर में बेंच डेस्क पर बैठा करके एग्जाम लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए, इसका फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि सर्वोच्च अदालत ने छात्रों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जस्टिस A.M. खानविलकर की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, यानी कि छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर किया है और फैसला सुनाने का आग्रह किया है। दोस्तों, आगे इसमें दिया गया है कि याचिका में कहा गया है कि गत वर्ष की तरह इस बार भी वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से ही परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने चाहिए, यानी कि जिस तरह से पिछले साल इंटरनल असेसमेंट या फिर दूसरे तरीके से रिजल्ट दिया गया था, तो ठीक उसी तरह से 2022 के भी क्लास 10 और 12 के छात्रों का रिजल्ट दिया जाए और उसको अगले क्लास में प्रमोट किया जाए। दोस्तों, आगे इसमें दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश A.B. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है कि आपका जो फैसला जल्दी से जल्दी दिया जाए कि एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए या फिर रिजल्ट 2021 के आधार पर देना चाहिए। दोस्तों, आगे इसमें दिया गया है कि याचिका में सभी राज्य बोर्ड, यानी कि झारखंड, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, सभी बोर्ड, साथ ही साथ CBSE और ICSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं लिया जाए, उसको रद्द किया जाए, इसकी मांग की गई है। दोस्तों, इसमें आगे दिया गया है कि याचिकाकर्ता का कहना है कि कोरोना के कारण कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई है, यानी कि आप सभी छात्रों का जो कक्षा है, क्लास है, वह ऑनलाइन माध्यम से की गई है, तो ऑफलाइन एग्जाम क्यों। आगे इसमें दिया गया है कि लिहाजा ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराना उचित नहीं होगा और ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने से छात्रों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वह अपने परिणाम को लेकर बेहद तनाव में आ सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, आप सभी छात्रों का जो स्कूल बंद रहा कोरोना काल में, और बहुत से छात्र ऑनलाइन तो जुड़ते थे लेकिन अधिकांश छात्र ऑनलाइन नहीं जुड़ते थे क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे, लैपटॉप हो या फिर टैब हो या फिर स्मार्टफोन हो, नहीं था, जिसके कारण वे सब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन सरकार की ओर से एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है और ऐसे ऐसे छात्रों का सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है और वे सभी परेशान है कि हम एग्जाम कैसे लिखेंगे, कितना मार्क्स आएगा, फेल होंगे या फिर पास होंगे। दोस्तों, इसमें आगे दिया गया है कि याचिका में आंतरिक मूल्यांकन से असंतुष्ट कंपार्टमेंटल विद्यार्थियों के लिए सुधार का एक और मौका देते हुए परीक्षा आयोजित करने का भी अनुरोध किया है, यानी कि जो छात्र फेल होते हैं तो उनके रिजल्ट को सुधारने का भी आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने कंपार्टमेंटल वाले विद्यार्थियों सहित अन्य परीक्षाओं मूल्यांकन के फॉर्मूले को तय करने के लिए एक समिति का गठन करने की गुहार लगाई है, यानी कि आप सभी छात्रों का रिजल्ट कैसे दिया जाए इसके लिए कमिटी बनाई जाए, ये मांग की गई है। इसके बाद आगे जो बॉक्स में हम लोग देखते हैं दिया गया है
कि आंतरिक मूल्यांकन से जारी हो परीक्षा का परिणाम यानी कि इंटरनल असेसमेंट एग्जाम के माध्यम से आपका रिजल्ट बनाया जाए, ये मांग की गई है। इसमें आगे दिया गया है कि याचिकाकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने दावा किया है कि कई छात्र ऑफलाइन परीक्षा कराने के फैसले से दुखी हैं। ये जो याचिका दायर किया गया है किसके ओर से, एक छात्र की ओर से जिसका नाम है अनुभा श्रीवास्तव सहाय। और आगे इसमें दिया गया है कि गत वर्ष की तरह छात्रों के पिछले शैक्षणिक परिणामों और आंतरिक मूल्यांकन पद्धति को ही अपनाया जाना चाहिए, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 2021 के आधार पर दिया जाए जिस तरह से उस साल दिया गया था, ये मांग की गई है इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि याचिका में आंतरिक मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्रों को अपने परिणाम में सुधार का एक और मौका दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से सभी समाचार पत्रों में यह अपडेट प्रकाशित हुआ है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वह ऑफलाइन होना चाहिए या फिर नहीं, या फिर 2021 के जैसा ही रिजल्ट देना चाहिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला आएगा उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को समय पर पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ वर्तमान समय में क्लास 12 के इंग्लिश के सभी सेट का जो वीडियो है आज कंप्लीट हम अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ क्लास 10 के छात्रों का भी विभिन्न विषयों का जो है वीडियो इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। साथ ही साथ कॉमर्स के अकाउंटेंसी के छात्रों का सेट 1 का आंसर आज इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप लोग भी उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज आप सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट था और साथ ही साथ आपका मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर डाला जा रहा है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ये आग्रह था। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट हो तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक भेजूंगा। इसीलिए आप सभी छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।